अगर आप अपने डैमेज हेयर से, अपने फ्रिजी हेयर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और आपके हेयर जो है देखने में बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते हैं, जैसे लगता है बालों में कोई जान नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप पार्लर जाके केराटिन ट्रीटमेंट ले, या आपका उतना बजट नहीं है कि आप केराटिन ट्रीटमेंट ले सकते हैं, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि आप घर पे कैसे कम पैसे में केराटिन ट्रीटमेंट कर सकते हैं और अपने हेयर को इंस्टेंटली हेल्दी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है और इसे आपको अपने हेयर पे कैसे अप्लाई करना है। आप मेरे हेयर देख सकते हैं, मेरा हेयर जो है कितना आपको सिल्की दिखाई दे रहा होगा, कितना शाइनी दिखाई दे रहा होगा। तो ये मैंने ट्रीटमेंट घर पे लिया है क्योंकि मैं मार्केट पार्लर में जाके पहली बात तो मैं पैसे खर्च नहीं करना चाहती, दूसरी चीज़ की मुझे डर लगता है कि उन्होंने वो लोग मेरे हेयर पे पता नहीं क्या लगा देंगे और मेरे हेयर जो है बाद में खराब ना हो जाए। तो मैं आज आप लोग के साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि घर पे कैसे मैंने अपने हेयर को इतना खूबसूरत बनाया है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेना होगा राइस। मैंने यहाँ पे 2 स्पून राइस लिया है, आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। जिसके हेयर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं उनके लिए राइस बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। राइस बहुत लोग अपने हेयर में बहुत सारे ट्रीटमेंट कराते हैं जिससे उनका हेयर जो है बहुत ज्यादा ड्राई दिखाई देने लग जाता है, बहुत ज्यादा डैमेज दिखाई देने लगता है। तो जब आप राइस को यूज करते हैं तो राइस जो है वो हाइड्रेशन को लॉक करता है जिससे आपके हेयर जो है वो सिल्की और शाइनी बने रहते हैं। बहुत लोग पार्लर से बहुत सारे हेयर के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे लगा उनका हेयर खराब हो रहा है वो पार्लर गए और हेयर ट्रीटमेंट लिया, उनका जो है हेयर जो है कुछ समय के लिए फिर से अच्छा हो जाता है, लेकिन अगेन जो है वो फिर से रफ दिखाई देने लगता है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो समझिए आपके लिए राइस जो है वो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। जब आप बाहर का ट्रीटमेंट लेते हैं और आपके बालों की वो जो चमक हो जाती है तो उसके लिए जब आप राइस यूज करते हैं तो राइस क्या करता है, हाइड्रेशन को लॉक करता है जिससे आपके हेयर जो है वो रफ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग राइस लेंगे, इसको अच्छे से आप वॉश कर लें। वॉश करने के बाद यहाँ मैंने 2 स्पून लिया और 2 स्पून में मैंने फुल ग्लास जो है वो वाटर यहाँ पे ऐड किया है और इसे आपको कुक होने के लिए छोड़ देना है। तो इसको आप अच्छे से कुक करें। जब आप राइस को अच्छे से कुक कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। और अब आपको क्या करना है, अगर आप एग का यूज करते हैं तो आप यहाँ पे एग भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बनाना यूज किया है तो यहाँ पे हाफ बनाना आपको लेना है। बनाना अगर आपके पास थोड़ा पका हुआ हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो जो आपके पास है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे हाफ बनाना लेना है और जो आपने राइस लिया है और ये बनाना लिया है उसमें आपको 2 स्पून जो है वो कर्ड ऐड करना है और कर्ड ऐड करके इसको अच्छे से आपको ग्राइंड कर लेना है। देखिए काफी अच्छे से ग्राइंड करिएगा, नहीं तो वो थोड़े से अगर रह जाएंगे, थोड़े से इसके पार्टिकल्स रह जाते हैं तो फिर आपके हेयर से निकलना थोड़ा मुश्किल। वैसे वो ड्राई होता है तो निकल जाता है, लेकिन बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप कोशिश करें कि इसको अच्छे से आप ग्राइंड करें। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कहीं मेरे हेयर में ये फंस ना जाए, हेयर में से निकलेगा नहीं, तो आप इसको किसी भी चीज से आप इसे छान लें। जब आप छान लेंगे तो बिल्कुल भी आपके हेयर में ये नहीं रहेगा, आराम से जो है निकल जाएगा। तो जब ये आप ग्राइंड कर लेंगे तो देखिए कितना खूबसूरत सा आपको पेस्ट मिला है। जितना ये देखने में खूबसूरत है इसका वर्क जो है और ज्यादा अच्छा है। इसको आपको कैसे अप्लाई करना है, इसे आपको ट्राई करना है कि ये गर्म ही अप्लाई करना है, मतलब हल्का सा वार्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ठंडा हो जाए। तो उस कंडीशन में आपको अपने हेयर पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले अब अप्लाई कैसे करना है, आपको आपके हेयर पे अगर ऑयल लगा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऑयल नहीं लगा है तो आप क्या करेंगे, अपने हेयर को हल्का सा पहले वेट कर लेंगे, उसके बाद आप इस पैक को अच्छे से अप्लाई करना शुरू करेंगे। आप अपने स्कैल्प में लगाएं, अपने पूरे हेयर लेंथ में अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा लेके आपको लगाना है। ऐसे नहीं कि आपने लिया और फटाफट ऐसे लगा लिया तो फिर उतना असर नहीं दिखेगा आपको, तो आपको काफी अच्छे से आपको लगाना है। अगर आप अपने हेयर को स्ट्रेट करना चाहते हैं, आपको लगे कि आपका हेयर जो है स्ट्रेट नहीं है, तब आपको क्या करना है कि आपको आपने ऐसे लगाया और ऐसे ही आपको अपने हेयर को छोड़ देना है। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपके पास कोई काम नहीं, आराम से आप चेयर पे बैठे हो तो फिर इस तरह से आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ काम करना होता है तो फिर ऐसे हेयर खुला रखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या है कि मैंने बांध लिया है, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं आपको स्ट्रेट बाल चाहिए तो फिर आप यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद आपको 1 आवर के लिए या 30 मिनट्स के लिए ऐसे ही लगे रहने देना है। जब 30 मिनट, जितने मिनट के लिए आपने छोड़ा है, हो जाए उसके बाद अपने हेयर को आप वॉश करेंगे ऐसे नॉर्मल पानी से। जब आपका जो पैक है वो निकल जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल शैम्पू से आप अपने हेयर को
वॉश कर लेंगे। और जब आप वॉश करेंगे उसी टाइम आप देखेंगे आपको ऐसा फील होगा आपके हेयर जो है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्मूथ हो गए हैं। और जब आपके हेयर ड्राई हो जाएंगे फिर तो आप पूछिए मत कि आपके हेयर का क्या हाल होने वाला है, मतलब बहुत अच्छा हाल होने वाला है कि आप देख के सच में दिल से बहुत खुश होने वाले हैं। तो आप इसे जरूर ट्राई करके देखें। मैंने इसी पैक को लगाया, सिर्फ एक बार मैंने लगाया और एक बार में ही मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाई दिया, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी इसे शेयर किया जाए। तो आप इसे जरूर ट्राई करें। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन भी होगा उसे भी प्रेस कर दें जिससे मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।